हेलो फ्रेंड्स, बीएससी क्वेश्चन सॉल्व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी के पार्ट थर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और यह प्रश्न अति लघुतात्मक प्रश्न है जो कि 2017 में पूछे गए थे। आज हम अपने इस वीडियो में 2017 के बोटनी के पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और यह सभी यूनिटों के हैं जो कि 2017 में पूछे गए थे। और 2017 में पूछे गए बोटनी के अति लघुतात्मक प्रश्न सॉल्व कराएंगे और इस वीडियो के बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में 2018-19, 2015-16 व 2014 के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे और इसके साथ ही हम जूलॉजी व केमिस्ट्री के भी लगभग सभी वर्षों के अति लघुतात्मक प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वेलामेन क्या है? वेलामेन पौधों में जल अवशोषण मूल रोमों के अतिरिक्त कुछ अन्य अंगों से भी कम होता है। उदाहरणार्थ आर्किडेसी कुल के अधिक पादपीय पौधों में वायवीय जड़ें होती है। इनमें वलकुट के बाहर की ओर वेलामेन नामक विशिष्ट ऊतक होता है। इसकी कोशिकाएं वायु से जल अवशोषित करती है, अर्थात अधिक पादपीय पौधों में वायवीय जड़ें होती है, उनमें वलकुट के बाहर की ओर एक विशिष्ट ऊतक पाया जाता है जिसे वेलामेन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण के लिए दाब प्रवाह परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो यह कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण की जो परिकल्पना है मुंच ने दी और यह परिकल्पना इसने 1930 में दी। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया के प्रथम स्थिर यौगिक का नाम लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित अभिक्रिया में जो प्रथम स्थायी यौगिक है वह है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चौथा प्रश्न है, रूबिस्को एंजाइम का पूर्ण रूप लिखिए, अर्थात हमें रूबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म लिखना है। तो इसकी फुल फॉर्म है राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेम। तो ये फुल फॉर्म लिखनी है हमें। इसका पांचवा प्रश्न है, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, अर्थात हमें कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर संपन्न होती है इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर है, कोशिका में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में अर्थात साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट एंजाइम संकेत संख्या में कितनी संख्याएं होती है? तो विशिष्ट एंजाइम संकेत संख्या में 4 संख्याएं होती है और यह संख्याएं 3.1.3.2 होती है। का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो असहजीवी जीवाणुओं के नाम बताइए। हमें सहजीवी का उदाहरण नहीं देना है, असहजीवी का उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर है, एजेटोवेक्टर व क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा ऑक्सीकरण के प्रत्येक चक्र में एक साथ कितने कार्बन निष्कासित होते हैं और किस रूप में होते हैं? जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है इसमें प्रत्येक चक्र में 2 कार्बन यूनिट मुक्त होती है और ये एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में मुक्त होती है। एसिटाइल कोएंजाइम और 2 कार्बन यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के परिपक्वन में कौन सा हार्मोन प्रभावी होता है, अर्थात फलों को परिपक्व करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है इसके बारे में लिखना है। तो इसका उत्तर है, गैसीय हार्मोन इथाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप का कौन सा भाग
दीप्ति काल के उद्दीपन को ग्रहण करता है। यानी जो दीप्ति काल होता है इसके उद्दीपन को कौन ग्रहण करता है, और वो भी पादप का भाग। तो इसका उत्तर है पादप की तरुणपर्ण यानी जो नई पत्तियां होती है दीप्ति काल के उद्दीपन को ग्रहण करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक माई चैनल एंड वीडियो टू मोटिवेट मी फॉर मेकिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।